नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे ये भाजी के बारे में। ये भाजी है, इसको आयुर्वेद में साटोड़ी बोलते हैं और हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में इसको बटाका भाजी या पत्थर भाजी भी बोला जाता है। और जैसे हम जो नॉर्मल सब्जी बनाते हैं वैसे ही इसको भी बनाते हैं। और ये जो हमारा ये परवर का खेत है वहाँ पे ये बहुत सारी उगी हुई है। तो ये कोई भी खेत में ऐसे ही उग निकलती है, इसको उगाया नहीं जाता। और इसकी जो सब्जी बनाते हैं वो भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो आज हम इसे तोड़ के लेके जाएंगे। तो इसको हम जैसे ही यहाँ से तोड़ लेंगे तो ये उसमें नीचे से और ज़्यादा फूट आ जाएगी। तो इसी प्रकार ये बहुत ही इसका ग्रो चालू ही रहता है। पहले तो हमने जो हमारे ये खेत में ये भाजी इसको उखाड़ के फेंक दिया था, लेकिन अभी थोड़ी सी रहने दी है क्योंकि इसको हम खा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा तो नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो मुख्य ये खेत है वो परवर का है, तो उसके लिए उसके विकास के लिए इसको तो निकलना ही पड़ेगा। इस भाजी को संस्कृत में पुनर्नवा बोलते हैं। पुनर्नवा मतलब कोश का फिर से जीवित होना। जो हमारे शरीर में जो चमड़ी में या हमारे जो शरीर में जो भी कोश जो मृतप्राय अवस्था में होते हैं वो फिर से जीवित हो जाते हैं, ऐसा इसके ऊपर की गई स्टडी के अनुसार हम आपको भी कह सकते हैं। और इसी के बारे में आप कहीं पे भी पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। तो देखिए, यह ऐसी भाजी होती है और ये मैंने यहाँ पे थैली में रखी है। आज के लिए इतनी काफ़ी है, तो मैं अभी घर पे लेके जाऊंगा इसको। इसके जो बड़ी बड़ी डंडियाँ थी वो हमने काट के निकाल दी है और इसको हमने पानी से धो लिया है। और इसको फिर से हम चाकू से काटेंगे और इसकी सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए हम जो नॉर्मल भाजी की सब्जी बनाते हैं वैसे ही बनानी है। और इसको ये तोड़ने के लिए हाथ से भी हम तोड़ सकते हैं, उसके लिए चाकू की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो इसको हम छोटा छोटा करने के लिए हमें चाकू का उपयोग करना पड़ता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।